खबरों का सारथी। नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। निकाय चुनाव के मुद्दे पर धामी सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल नैनीताल हाईकोर्ट में एक बार फिर से इस मुद्दे पर सुनवाई हुई है और कोर्ट ने राज्य सरकार से अगले मंगलवार यानी कि 20 अगस्त तक निकाय चुनाव का पूरा कार्यक्रम पेश करने को कहा है और साथ ही राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर इसकी सूचना भी कोर्ट को देने के निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में तय समय पर निकाय चुनाव नहीं कराने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। बताते चले कि प्रदेश के 100 नगर निकायों का 5 साल का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर 2023 को खत्म होने के बाद इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद भी धामी सरकार ने जून 2024 में 3 माह के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया है, तो वहीं अब एक बार फिर से प्रशासकों का कार्यकाल सितंबर महीने में पूरा हो रहा है, लेकिन निकाय चुनाव को लेकर असमंजस अभी भी बरकरार है। और इस बीच अब खबर आ रही है कि प्रदेश में अक्टूबर महीने में निकाय चुनाव हो सकते हैं, इसका रास्ता करीब करीब साफ हो गया है। धामी के अभ्यंतरीण निकायों में ओबीसी आरक्षण में बदलाव को लेकर एक्ट व नियमावली में संशोधन के विधेयक पर मोहर लगा दी है। अब बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर क्यों सरकार अब तक निकाय चुनाव को नहीं करा पाई है। आरक्षण पर रार, निकाय चुनाव पर वार, इसी पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हमारी खास रिपोर्ट पर डालिए। उत्तराखंड में निकाय चुनाव कब होंगे, इस पर सस्पेंस बरकरार है। राज्य सरकार भले अब तक निकाय चुनाव का कार्यक्रम जारी ना कर पाई हो, लेकिन कोर्ट ने सरकार से निकाय चुनाव का कार्यक्रम मांग लिया है। बता दें कि उत्तराखंड में तय समय पर निकाय चुनाव नहीं कराने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से 20 अगस्त तक निकाय चुनाव का पूरा कार्यक्रम पेश करने को कहा है, साथ ही राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर इसकी सूचना भी कोर्ट को देने के निर्देश दिए हैं। वहीं राज्य में अब इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। सरकार का कहना है कि वह निकाय चुनाव के लिए तैयार है। कि हम लोग समय समय पे अपने जितने निकाय हैं वहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए, वहाँ जनता को और सुविधाएं दें, उसके लिए हम इस प्रकार के कदम उठाते रहते हैं। इसी प्रकार अभी हमारे यहाँ कैबिनेट से प्रस्ताव पारित किया गया कि जिसमें अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के विकास के लिए, उस क्षेत्र के लोगों के और अच्छी सुविधा के लिए, मेरे संज्ञान में आई तो मैंने एक प्रेस रिलीज जारी की और कल वो बात स्पष्ट हुई कि किसी प्रकार का सीमा विस्तार नहीं हो रहा है, यानी कि भ्रामक प्रचार करके जनता को भ्रमित करने का काम कांग्रेस करता है। मैं निश्चित रूप से ऐसे काम नहीं होने चाहिए, क्योंकि जनता को हम लोग किस तरह से उनका विकास कर सके उसके लिए हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता रही है। साथ में डोईवाला जो क्लास 3 की नगर पालिका थी उसको भी क्लास 1 की नगर पालिका बनाने का भी निर्णय इसी कैबिनेट में हुआ है। मैं उसके लिए भी अपने डोईवाला के तमाम लोगों को, वहाँ के और सुविधा उनको मिले उसके लिए उनको बहुत बधाई दे रहा हूँ। चुनाव के मामले में सरकार की कोताही बताती है कि उनका लोकतंत्र में और संविधान में कोई विश्वास नहीं रह गया, क्योंकि संविधान में ये साफ तौर पर कहा गया है कि निकाय के कार्यकाल से 6 महीने पहले से उसकी जो कार्य प्रणाली है, नए निकायों के चुनावों की जो गतिविधियां हैं वो प्रारंभ हो जानी चाहिए। दिसंबर में हमारे वहां निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा था। महाधिवक्ता के द्वारा जो आर्ग्यूमेंट कोर्ट में पेश किया गया है वो बिल्कुल निराधार है। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में निकाय चुनाव नहीं हो पाए और उसके बाद बरसात के मौसम में आपदा के काम की वजह से प्रशासनिक सेवाएं वहां लगी रहीं। जबकि मैं याद दिलाना चाहती हूं महाधिवक्ता को कि जो लोकसभा चुनाव है वो तो अप्रैल मई में हुए और निकाय का कार्यकाल जो है वो दिसंबर में खत्म हो गया, तो दिसंबर आते आते तक आपको यहाँ चुनाव करा लेने चाहिए थे।
कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली दिखाई पड़ती है, जो सरकार निकाय चुनाव कराने से पीछे हट रही है और प्रशासकों का कार्यकाल तक बढ़ा दिया गया है। संविधान में साफ तौर पर कहा, आपको बता दें कि प्रदेश के 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर 2023 को खत्म होने के बाद इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद भी धामी सरकार ने जून 2024 में 3 माह के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया था। वहीं अब एक बार फिर प्रशासकों का कार्यकाल सितंबर माह में पूरा हो रहा है, लेकिन निकाय चुनाव को लेकर असमंजस अब तक बरकरार है। वहीं अब खबर आ रही है कि प्रदेश में अक्टूबर महीने में निकाय चुनाव हो सकते हैं। इसका रास्ता करीब करीब साफ हो गया है। धामी कैबिनेट ने निकायों में ओबीसी आरक्षण में बदलाव को लेकर एक्ट व नियमावली में संशोधन के विधेयकों पर मुहर लगा दी है। मेरी जानकारी में आया है कि स्थानीय निकाय के चुनाव अक्टूबर माह में हो रहे हैं, ऐसा प्रस्तावित है सरकार के द्वारा, और इसी के साथ में नवम्बर माह में पंचायतों का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी सरकार के द्वारा लगभग पूरी कर दी गई है, आरक्षण पर एक्सरसाइज चल रही है। पंचायत के चुनाव और स्थानीय निकाय के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं क्या, तो इस पर परामर्श कर इस पर चिंतन हो रहेगा, क्योंकि विकास का मामला है। अलग स्थानीय निकाय की आचार संहिता लगी, मैंने उसमें विकास कार्य रुके रहेंगे, फिर 1-1.5 महीना पंचायत चुनाव के आचार संहिता लगेगी, फिर उसमें विकास कार्य सारे रुकेंगे, तो इस प्रकार से जो विकास की गति अनवरत बनी हुई है, इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आचार संहिताओं के कारण कोई विकास कार्य में कोई व्यवधान न हो। देखिए, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि सरकार निकाय चुनाव के प्रति कतई गंभीर नहीं है। अभी ओबीसी का आरक्षण तय नहीं, एससी का आरक्षण तय नहीं है, एसटी का आरक्षण तय नहीं है, महिला आरक्षण क्या होगा वो तय नहीं है, क्योंकि 53-50% महिलाओं का आरक्षण है, उसमें कहीं कोई बात नहीं। महिलाओं में भी महिला के बाद भी सब आरक्षण है कि भाई कौन सी सीट एससी महिला के लिए रहेगी, कौन सी ओबीसी महिला के रहेगी, इसमें भी कोई होमवर्क नहीं है। और सरकार काम कहाँ कर रही, सरकार तो केवल इवेंट करने में मस्त है, और सरकार का केवल भाजपा का काम है लोगों का ध्यान भटकाना, अलग अलग ध्यान लोगों का डाइवर्ट करना, ये काम सरकार का बच गया है। कुल मिलाकर राज्य में निकाय चुनाव के मुद्दे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। एक ओर जहां सरकार निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयारी का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर लगातार निकाय चुनाव में देरी को लेकर कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की जा रही है। सवाल यह है कि आखिर क्यों सरकार निकाय चुनाव अब तक नहीं करा पाई है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। चर्चा में इसमें आगे बढ़ेंगे, उससे पहले छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, चलो लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले इनसे आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में हनी पाठक जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। गिरिराज किशोर हिंदवान जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। और मीनाक्षी घड़ियाल जी हमारे साथ में हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। और हमारे साथ में उदित घड़ियाल साहब हैं, समाज सेवी हैं। शुरुआत आज सबसे पहले मैं हनी पाठक जी के साथ में करना चाहूंगी। हनी जी, देखिए एक तरफ विपक्ष है जो लगातार आरोप पर आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन निकाय चुनाव से देरी क्यों सरकार बनाई जा रही है, और ये तर्क आपकी ओर से थोड़ा सा सवाल एक्सटेंड कर रही हूं मैं। हमेशा बीजेपी के प्रवक्ताओं की ओर से ये कहा जाता है कि चुनाव कराना बीजेपी का या सरकार का काम नहीं है, तो चुनाव आयुक्त का काम है, लेकिन विपक्षी अगर कह रहे हैं कि आपने तैयारी क्यों नहीं की है, तो फिर उसमें कुछ बात तो है ना। क्या वजह है कि विपक्षी आपको जिम्मेदार मान रहा है देरी के? देखिए, विपक्षी तो इस चीज का भी जिम्मेदार मान सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। जिस तरीके की इस समय इनकी बुद्धि चल रही है ना, और जिस रास्ते पे चल रही है, उस तरीके से जो व्यक्ति इनके सदन के आला कमान युवराज, जो संसद सत्र में महत्वपूर्ण
बिंदु पे सो सकते हैं, तो ऐसे विपक्ष के लोग किसी भी समय कुछ भी बोल सकते हैं। तो इन पर विशेष ध्यान न देते हुए मैं इस मुद्दे पर आती हूं कि ये जो ओबीसी आरक्षण का मुद्दा था उस पर सरकार ने गंभीरता बरती, चुनाव आयोग को भी कहा और उसके बाद वो ओबीसी आरक्षण निकल कर आता है। अब क्या हो रहा है, मानसून सीजन चल रहा है गरिमा जी, इससे पहले लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव के बाद दो जगह उपचुनाव हुआ, मानसून सीजन के कारण जगह जगह जिस प्रकार से आपदा से निपटने में सरकार एकदम लगातार तैनात रही है, उस समय क्या चुनाव कराना जनता को मुश्किल डालना नहीं था? हम लोग उस बुद्धि के नहीं कि केदारनाथ बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं उस समय, जिस समय लोगों की मदद करनी चाहिए, और जब आला कमान से नोटिस आता है भाई अब बंद करो एकाक कार्यकर्ता मर ना जाए, तब जाके वहां रुकते हैं और व्यापारियों द्वारा भगाए जाते हैं, तब इन्हें होश आता है कि अब हमें यहां से चले जाना चाहिए। तो इस बुद्धि का प्रयोग न करते हुए हम लोग वो काम करते हैं जो काम सही होता है। दूसरी चीज, चुनाव आयोग का ये कार्य होता है और ये हर पढ़े लिखे व्यक्ति को पता है कि ये कार्य चुनाव आयोग का होता है, और हर बात पे तो ये लोग कोर्ट के पास जाते हैं, जाए ना कोर्ट के पास, अगर हमारी गलती होगी तो हम माफी मांगेंगे उस चीज के लिए, लेकिन किसी भी चीज से हमारी गलती कहीं भी दूर दूर तक नहीं है इसके पीछे गरिमा जी, और ना हमारी कोई ऐसी मंशा है। क्यों? क्योंकि 24 घंटा चुनावी मोड में हमारी सरकार रहती, हमारी भारतीय जनता पार्टी का संगठन रहता है, रहता था और रहेगा, क्योंकि हमारे पास कार्यकर्ता है ना, कार्यकर्ता है जो कि ऐसे कार्यकर्ता है एक आवाज में बड़े बड़े कार्यक्रम कर डालते हैं, और यहाँ पे तो लोगों को दो दो हम लोग नहीं करते। ठीक है, चलिए ठीक है, आपके पास लौटेंगे। गिरिराज किशोर जी हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी की ओर से। गिरिराज जी, वो कह रही है कि सर आप ही ये बात कहते हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक बात है कि बीजेपी को लेकर तो हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि भाई ये तो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, एक चुनाव खत्म होता है ये दूसरे की तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन अब आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो पार्टी जो लोकसभा का चुनाव हो क्या विधानसभा का चुनाव हो हर बार सीटों पर सीटें जीतती जा रही हो, उसे ही पूरी तरीके से बहुमत मिल रहा हो। अभी लोकसभा में आपने देखा पांचों की पांचों सीटें उनके हिस्से में गई, इसके पहले विधानसभा आपने देखा था कुछ ऐसा ही हाल था, तो वो पार्टी निकाय चुनाव से क्यों डरेगी, कारण क्या हो सकता है उसके पीछे का? आप बाय इलेक्शन का भी जिक्र करिए गरिमा जी, दोनों सीटें हारे हैं लोग जी। हेलो, ठीक है गरिमा जी, मैंने कहा आपने पार्लियामेंट्री आप उपचुनाव की बात कर रहे थे, उपचुनाव की बात कर रहे थे ठीक है हारे, लेकिन सर कुल मिलाकर अगर वो वाला रेशियो भी आप जोड़ लेंगे ना तब भी कहीं ना कहीं आगे तो ही है। ये बाय इलेक्शन सुनिएगा गरिमा जी, गरिमा जी एक बात मैं रखना चाहूंगा, ये वाकई आप ये सोचिए कि कांग्रेस पार्टी का ग्राफ जो बढ़ रहा है, आप ये सोचिए कि बाय इलेक्शन ये मिथक था कि एक रूल करती हुई पार्टी भाजपा है और रूलिंग पार्टी है और इसके शासित होते हुए हम लोग दोनों उपचुनाव बद्रीनाथ जी और मंगलौर जीतते हैं, आप स्वयं सोचिए। अब गरिमा जी एक बात मैं रखना चाहूंगा कि अभी मैं हनी जी को सुन रहा था, इनके क्लेरिफिकेशन पे क्लेरिफिकेशन जो होते हैं भाजपा के प्रवक्ताओं के, स्पष्टीकरण पे स्पष्टीकरण देते हैं। अब ये पार्लियामेंट में पहुंच गए थे, सबसे बड़ी पंचायत जो हिंदुस्तान में जो हमारी है, पार्लियामेंट जो है, संसद जो है, ये वहां तक पहुंच गए थे। आप सोचिए आज जो स्थिति, और अभी जो ये जिक्र कर रहे थे आपदा का, आपदा प्रबंधन इनका आज भी सुप्तावस्था में है, सोई भी स्थिति में है। आज आपदा ग्रस्त क्षेत्र जो है वहां का जो जनमानस है वो आज भी दंश झेल रहा है आपदा का, सुनिएगा। ये लास्ट मोमेंट में अलर्ट हुए आपदा में, जो आपदा की बात लेके आए अभी बीच में, ठीक है। आज प्रदेश गरिमा जी विकास शून्य हो चुका है, आज इनका सिर्फ जो ध्यान है, सुनिएगा, आज स्मार्ट सिटी के नाम पे जो देहरादून में जो पैसा सैकड़ों करोड़ रुपए आया है उसकी बंदर बांट चल रही है, भ्रष्टाचार में लिप्त यह सरकार है, सुनिएगा। अब बात गरिमा जी, अब बात आती है नगर निकाय चुनाव पे, नगर निकाय चुनाव में आप ये सोचिए कि दिसंबर में कार्यकाल इनका खत्म हो जाता है, सुनिएगा, निगम का। इसके बाद जो प्रशासकों की जो नियुक्ति थी,
जब 6 महीने पूरे होने वाले थे तो ये लोग प्रशासकों की जो नियुक्ति थी उसकी समय अवधि बढ़ाने के लिए कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए। माननीय उच्च न्यायालय ने निश्चित रूप से इनको फटकार लगाई कि आप लोग निकाय चुनाव, नगर निगम का जो चुनाव है, नगर पालिका का जो चुनाव है, नगर पंचायत का जो चुनाव है, उसको संपन्न करवाने की तरफ जाए सरकार। आप स्वयं सोचिए गरिमा जी, एक छोटी सरकार का काम करती है नगर पालिका, नगर निगम या नगर पंचायत। एक छोटी सरकार जो होती है वो शहर के लोकल इश्यूज जो होते हैं, चाहे सड़क की बात हो, नाली की बात हो, सीवर की बात हो, जी बिल्कुल, निश्चित रूप से वो छोटी सरकार जो जनमानस होता है उस क्षेत्र का, उस शहर का, उसकी समस्याओं का निदान करती है वो छोटी सरकार। लेकिन ये लोग आज विकास और जनमानस की जितनी समस्याएं हैं उत्तराखंड में, इनके लिए जूरी, इनके लिए शून्य है। ये लोग सिर्फ आज इनके जितने भी असेंबली में विधायक गण जो असेंबली में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जितने मंत्री गण हैं, ये आज देहरादून में बैठ के लग्जरी लाइफ जी रहे हैं गरिमा जी। इनको दूर पर्वतीय क्षेत्र में भी जो है आज जितनी वनाग्नि में जो नुकसान जो जंगलों को हुआ है, करोड़ों पेड़ उसमें जल के स्वाह हो गए, वाइल्ड लाइफ जल के स्वाह हो गई, लास्ट मोमेंट पे अलर्ट हुए। चार धाम यात्रा में आप लास्ट मोमेंट पे अलर्ट हुए जब श्रद्धालुओं को दिक्कतें आई, आप लोग देखिए ये सारी चीजें ठीक है, आप उन पर कुछ भी आरोप लगाइए, लेकिन गिरिराज जी देखिए बात यहाँ पर यह है ना कि अभी फिलहाल निकाय चुनाव पर चर्चा हो रही है। मैं कह रही हूँ इनमें लाख खामियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सीटें तो सारी इनके हिस्से में ही आ रही हैं। और बात अगर निकाय चुनाव की देरी की हो तो हम उस पर बात करें, ठीक है, दूसरी डिस्कशन पे जाएंगे, तो स्वयं कांग्रेस पार्टी को जवाब देना होगा ना गरिमा जी। हाँ ठीक है, आज जो नगर निकाय चुनाव में जो देरी हो रही है, स्वयं सोचिए आप। हाँ आज दो नगर निगम और बढ़ा दिए इन्होंने, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा, 11 हो गई इसकी संख्या निगमों की। अब आप स्वयं सोचिए, अभी तक परिसीमन नहीं है, अभी तक महिलाओं को क्या उसमें आरक्षण मिल रहा है, क्या रिजर्वेशन मिल रहा है, महिलाओं का रिजर्वेशन क्या होगा, आरक्षण क्या होगा, वो बातें अभी तय नहीं है। आज ST के लिए क्या रिजर्वेशन, शेड्यूल ट्राइब के लिए होना, शेड्यूल कास्ट के लिए क्या रिजर्वेशन होना है, क्या महिला शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन होना है, क्या शेड्यूल ट्राइब महिला के लिए रिजर्वेशन होना है, आप स्वयं सोचिए। वार्डों की स्थिति, पार्षदों को किस तरह से रिजर्वेशन वाली सीमा में रखना है, अभी तक इनका कोई भी जितने मानक होते हैं, ठीक है, सुनिए देखिए ठीक है ठीक है, हानी जी कुछ कह रही है, हानी जी लेकिन और प्रवक्ता है उनको सुन लेते, उसके बाद में आपसे आऊंगी, पूरा काउंटर खींचेगा, ठीक है सर, थोड़ा सा जल्दी बाकी प्रवक्ताओं को भी जोड़ना है, बात इनके जवाब का दे दू, छोटा सा जवाब दे दू। हनी जी देखिए फिर ऐसे आपस में चर्चा चलती रहेगी, और मेहमान भी तो आए हैं चर्चा में, सबको सुन लीजिए, मुझे पता है सब आपके खिलाफ ही, आप भी जानती हैं कि सरकार के खिलाफ ही बोलने वाले हैं, तो थोड़ा सा सुन लीजिए, उसके बाद एक साथ आप काउंटर करिएगा, ठीक है, लौटती हूँ। गिरिराज जी थोड़ा सा जल्दी से अगर आप कंप्लीट करना चाहें, उसके बाद में तुरंत मीनाक्षी जी के पास में जाऊंगी। हाँ मैं बड़े सिंसियरली, बड़े सीरियसली एक सरकार के सामने एक बात रख रहा हूँ कांग्रेस की तरफ से, कि आप लोग जो निकाय चुनाव हैं इसको भटकाने की स्थिति में ना आए। वाकई जो छोटी सरकार का गरिमा जी मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है शहरों में, वो अगर वो सारे चुनाव संपन्न होते हैं तो जनता को सुकून मिलेगा, जनता को छोटी सरकार मिलेगी, और वाकई जो उनके अपने इश्यूज होते हैं, छोटी छोटी समस्याएं होंगी, उनका निदान होगा उन समस्याओं का, सरकार उस तरफ पहल करे, ठीक है बिल्कुल, सरकार को पहल करनी चाहिए। देखिए निकाय चुनावों से कहीं ना कहीं उनको शहरों की सरकार कहते हैं, और ये बिल्कुल ठीक बात भी है कि शहरों में जो असल में भौगोलिक स्थिति होती है, इन चुनावों में लोग उसी चीज को ध्यान में रखकर वोटिंग करते हैं, और यही आरोप जो है विपक्षी सरकार पर लगा भी रहे थे कि कहीं उस चीज का डर तो नहीं रह गया, क्योंकि शहरों के भीतर तो लोग राष्ट्रीय मुद्दे नहीं सोचते, वहां तो लोगों के मन में होता ना कि सफाई कितनी हो रही है, नालियों की व्यवस्था कैसी है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। मीनाक्षी जी हमारे साथ में है, केंद्रीय प्रवक्ता है उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। मीनाक्षी जी बहुत स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। मीनाक्षी जी क्या वजह है कि देखिए निकाय चुनावों में देरी हो रही है, बीजेपी कह रही है कि नहीं हम तो तैयार हैं पूरी तरीके से, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और चुनाव आयोग का अगर ये काम है तो इसके लिए विपक्षी बीजेपी को कहीं सिर्फ विरोध करना है इस भावना के साथ, तो विरोध में नहीं ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी देरी कर रही है, असल में बीजेपी कहां था?
देखिए गरिमा जी, अभी एक्चुअली आपने एक बात कही थी कि सभी सभी प्रवक्ताओं को सरकार का विरोध करना है। दरअसल हमें सरकार का विरोध नहीं करना, सरकार के जो गलत कार्य हैं हम उनका विरोध कर रहे हैं। जब जब भी प्रवक्ता को यहाँ पे बिठाया जाता है, जब हम लोग डिबेट करते हैं, तो डिबेट का अर्थ होता है कि कुछ सोल्यूशन निकल के आए या फिर जो जनता के बीच में जो सवाल चल रहे हैं उनका उनको जवाब मिले। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य है कि जिस प्रकार का घमंड भाजपा दिखाती है, जिस प्रकार से वो ये दिखाते हैं कि हम तो सत्ता दल के व्यक्ति हैं और हमें हमसे किसी को सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है, वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि बुद्धि कम है, अकल नहीं है, मतलब इस तरह का एक लेवल जो है ना डिबेट का वो बहुत खराब हो जाता है। दूसरी चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपने कही कि आखिर ये दो कारण बता रहे हैं कि एक तो लोकसभा चुनाव है इस कारण से हमारा डिले हुआ, तो आप बताइए लोकसभा चुनाव तो 4 महीने बाद थे, दिसंबर में कार्यकाल खत्म हुआ था, आपको पहले से पता था कि दिसंबर में कार्यकाल खत्म होना है, तो उसकी तैयारी तो बहुत पहले से हो जानी चाहिए थी ना कि दिसंबर में पहला जो चुनाव है पहले उसको संपन्न करेंगे या उससे आने वाले एक साल बाद के चुनाव को संपन्न करने की चिंता ज्यादा रहेगी। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि अब मानसून सत्र मानसून आ गया है तो मानसून में परेशानी हो रही है, तो इस हिसाब से तो मुझे लगता है मेघालय जैसे जो सिटीज हैं, शहर हैं, राज्य हैं, वहां तो कभी चुनाव होने ही नहीं चाहिए क्योंकि वहां तो 12 महीने बारिश रहती है। तो इस प्रकार के जो जवाब है इनसे हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है, जनता सेटिस्फाइड नहीं है। हम समझते हैं कि जो देहरादून जो नगर निकाय है, नगर निगम जो है, इसमें उस टाइम पे आप देखेंगे कि नगर निगम का बहुत बड़ा घोटाला सामने आया था, जो ये जो यहाँ पे जो हमारे सफाई वर्कर होते हैं इनका जो घोटाला निकल के आया था वो उस समय निकल के आया था। दूसरी चीज, जब इन्होंने स्मार्ट सिटी का काम पूरा करने का जो लक्ष्य रखा था वो भी उस टाइम पे पूरा नहीं हुआ था। आप अभी देखेंगे कि जो कुछ सड़कें बन गई हैं वो इसी कार्यकाल में बनाई है इन्होंने, जो ये जो डिले किया इन्होंने इसी बीच इन्होंने ये सड़कें बनाई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये अभी कूड़े का मैनेजमेंट नहीं कर पाए हैं, सड़कों पे गड्ढों का मैनेजमेंट नहीं कर पाए हैं, मानसून में जो बरसात में लोगों को परेशानी हो रही है उसका मैनेजमेंट नहीं कर पाए हैं। तो यही कुछ कारण है जिसकी वजह से ये लोग इन चुनावों को डिले कर रहे हैं। और रही बात डर की और ना डर की, तो मुझे लगता है कि देखिए जब काम ही नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली डर तो जनता का डर रहेगा ना, विपक्ष का तो वैसे भी कोई डर इनको नहीं है लेकिन जनता का डर तो रहेगा क्योंकि जनता ये सारी चीजें सामने से देख रही है। ठीक है, जनता का डर है और यही वजह है कि बीजेपी कहीं ना कहीं दूरी बना रही है और वो डर दिख भी रहा है। ठीक है, इस पर अभी हनी जी से जवाब लेंगे और खास मेहमान हमारे साथ में उदित जी भी है, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का समय। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है। एक बार फिर से अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और उदित घड़ियाल जी हमारे साथ में हैं, समाजसेवी हैं। उदित जी, देखिए शहरों की सरकार के चुनाव पर हम चर्चा कर रहे हैं और शहरों की सरकार का जब चुनाव होता है तो वोट डालने के वक्त जनता का जो दिमाग है वो पूरी तरीके से अपने शहर की व्यवस्था पर होता है। वो ये देखता है कि उसके शहर में आसपास उसके आसपास किस तरीके के इंतजामात हैं, कितनी सुख सुविधाएं उसको मिल पा रही हैं, यानी वहाँ पर उसको हिंदू मुस्लिम राष्ट्रीय मुद्दे या बड़े बेरोजगारी जैसे मुद्दे मुझे लगता है ये उस वक्त काम नहीं करते। और देहरादून में ये आम मुद्दा रहा है कि सड़कों की जो खराब स्थिति है, पानी का जो प्रॉब्लम रहता है, बिजली का जो प्रॉब्लम रहता है, लोग इससे बहुत परेशान रहते हैं। खासतौर पर चाहे पहाड़ी इलाका हो, मैदानी इलाका हो, सभी जगहों पर ऐसी ही चीजें देखने को मिलती आई, हमने खुद कितनी रिपोर्ट्स अपने दर्शकों को दिखाई है। क्या यही वजह है कि सरकार भी जानती है कि भैया यहां पर तो जनता नाराजगी दिखाएगी, तो क्या इस वजह से डर लगता है सरकार को, या आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, निकाय चुनाव में देरी होती गई बस? गरिमा जी देखिए, शहर के अंदर जो लोकतंत्र का जो पहली सीढ़ी होती है वो निकाय होती है, वो नगर निकाय होती है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अपना प्रधान हो गया, ये सब हो गया, शहर में लोकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं।
जो स्थानीय जो मुद्दे होते हैं उसको लेके लोग कभी भी एमएलए या एमपी के पास नहीं जाते हैं, वो जाते हैं तो सिर्फ अपने पार्षदों के पास जाते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है जनप्रतिनिधि का होना। अभी काफी समय से जनप्रतिनिधि नहीं है, मैं इस वक्त पौड़ी में हूं और काफी बुरे हाल हो रखे हैं। किस पे जाए वो शिकायत करने, किस अधिकारी को मिले, पार्षद कहाँ जाएगा भाग के, वो घर पे रहेगा, वो घर पे पकड़ेंगे जाके, सुबह रात दिन कभी भी पकड़ सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें बहुत बड़ा गैप नहीं होना चाहिए। कारण कुछ भी हो सकते हैं, लोकसभा चुनाव हो सकते हैं, और भी हो सकता है कुछ चीज, लेकिन जब ये सब निपट गया है तो सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए आम जनमानस को देखते हुए, चाहे वो कैसा भी मौसम हो। शहर में दिक्कतें और दुश्वारियां और बढ़ती हैं जैसे जैसे ये आपदा बारिश का समय आता है। कचरा पड़ा हुआ है जगह जगह, उठ नहीं रहा है, समय से नहीं उठ रहा है। भाई जनप्रतिनिधि की एक जिम्मेदारी होती है। वो क्या आपने जनप्रतिनिधि के बाद पार्षद के पास, अब ये जो भी कारण रहे हो अब तक ना हुए हो, लेकिन अब बेवजह डिले होना, देखिए दो और जोड़ दिए गए हैं, फिर उनका परिसमन होगा, फिर कई सारी चीजें हैं, तो उसमें तो फिर 2-3 महीने 4 महीने लग जाएंगे। शहरी क्षेत्र के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्राथमिकता है किसी भी सरकार। और वर्तमान को देखिए, मोदी जी बार बार कह रहे हैं, कल भी 15 अगस्त को वो सफाई की ही बात करेंगे लाल किला से, उनका पहला वो होगा स्वच्छता, स्वच्छ शहर, स्वच्छ भारत। वो कहां से शुरू होगा? स्वच्छ भारत के लिए आपके पास रिप्रेजेंटेटिव नहीं है उत्तराखंड में इस समय। हम कहां किसके पास जाएं, कोई भी हो, चाहे आप ही हो, जो भी शहर में रह रहे हैं, उनकी बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं, उसके लिए वो पार्षद के पास जाना चाहिए। तो मेरा मानना यह है सरकार को प्राथमिकता में आकर के जितनी जल्दी इस चुनाव को घोषित करें। चुनाव का क्या रिजल्ट आएगा सरकार को इससे नहीं डरना चाहिए, सरकार मजबूत है, सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, ज्यादा विधायक है, 5 एमपी हैं, तो क्यों चिंता करनी चाहिए सरकार को, चुनाव में आना चाहिए। ठीक है, अब सरकार से जवाब ले लेते हैं। हनी पाठक जी हमारे साथ में हैं, सरकार की पार्टी बीजेपी उसके प्रवक्ता हैं। हनी जी, आपने सबकी बातें सुन ली होंगी, आप जवाब दे दीजिए, सरकार को डर किस बात का है और सरकार को सामने आना चाहिए। और अगर मेरा भी सवाल इसमें यह है कि अगर सरकार, मैं इस बात से बिल्कुल गुरेज कर रही हूं, मैं नहीं कह रही कि सरकार देरी कर रही है, लेकिन देरी हो रही है तो भी तो सरकार को चिंता करनी चाहिए। आप नहीं कर रहे देरी, जिस भी वजह से देरी हो रही है, क्या सरकार को नहीं सोचना चाहिए कि जिस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है ड्यूरेशन, क्या इस पर विचार नहीं करना चाहिए? चलिए गरिमा जी, शुरू होती हूँ अब। हाँ, मैं बिल्कुल बिल्कुल मैम, जो अभी बात कर रहे थे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता रवि भाई, सुनिएगा रवि भाई, कानून बनाने वालों को कानून बजाते देखा है, मांझी को चुपके चुपके से तूफान बुलाते देखा है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ एक चीज, इतने बड़े बड़े भाषण दिए रवि जी ने, कुछ विपक्ष है बोलेंगे, गिरिराज जी हमारे साथ हिमाचल प्रदेश में, हनी जी मैं आपको करेक्ट कर दूं, उनका नाम गिरिराज जी है, ठीक है, हाँ सॉरी गिरिराज जी, सॉरी माफी चाहूंगी। हाँ। हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार थी इससे पहले गरिमा जी? हिमाचल, अभी देखिए, सुनिएगा, अब सुनिएगा प्लीज, क्योंकि 4 लोगों का जवाब देने को मुझे थोड़ा टाइम ज्यादा चाहिए। हाँ, ठीक है, लेकिन लेकिन बस हिमाचल आप अगर प्रदेश में इससे पहले तो बेहतर होगा। हिमाचल, हाँ उत्तर, अरे नहीं, एग्जाम्पल दे के जाऊंगी। हिमाचल प्रदेश में 1 साल देरी से निकाय चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस पार्टी के सीएम सुखविंदर सिंह वहां पर सो रहे थे, या फिर उनके मुंह में दही जमी हुई थी, जो 2022 के चुनाव को 2023 में कराया, तब क्या वहां पर किसी भी प्रकार की ये विडंबना, ये स्थिति, ये परिस्थिति, ये चीज, ये वो, ये सो, जो इन्होंने बोला देखने को नहीं मिला। दूसरी बात का जवाब, इन्होंने अभी कहा आपदा में भी इन्होंने कोई विशेष काम नहीं किया। ऐसा है गरिमा जी, बोलते वक्त जब केदार बाबा की नगरी में रह रहे हो, उत्तराखंड चारों धाम देवभूमि में रह रहे हो, तो सत्य का भी तो सामना करना सीखिए। जिस प्रकार से आपदा में कार्य किया सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने, वो काबिले तारीफ रहा, मॉनिटरिंग से लेकर जगह जगह जाने से लेकर केंद्र सरकार की मदद से लेकर
चिनुक हेलीकॉप्टर M-17 उतार दी गई और परसों वो वापस गई है जब पूरे यात्रियों को एकदम सही ढंग से पहुंचा दिया गया। हमने आपदा में अवसर नहीं खोजा, 11 गुलाब जामुन 495 रुपए के नहीं लाए। गुजरात से भरी सामान की ट्रेन को हम लोगों ने अपने अंदर बंदर बात नहीं करी। तीसरी बात का मैं जवाब देना चाहती हूँ। ये अभी त्रासदी की एक बात कर रहे थे, तो देखिए मैं हर चीज का एग्जाम्पल इनकी जहां जहां सरकार रही है उसी से दूंगी गरिमा जी। केरल के वायनाड में भीषण त्रासदी आई गिल्डियाल जी शायद आप सहमत हो गए। विध्वंस 243 लोगों की मृत्यु और 240 लोग लगभग लापता थे। केंद्र ने कब से चेतावनी दी थी यहाँ पे गिरिराज जी बताइएगा? एक हफ्ते से भी पहले से केंद्र सरकार और मौसम विज्ञान की चेतावनी जारी किया जा रहा था, लेकिन इस राष्ट्रीय आपदा में जान गंवाने वालों की आत्माओं को भगवान करे शांति मिले। लेकिन वहां के सांसद को जब वहां पे आरएसएस कार्यकर्ता पहुंच गए उसके बाद याद आया कि ये हमारी लोकसभा है, हमको यहाँ जाना चाहिए। चौथी बात देखिए, ये लोग अपनी ही बातों को खुद बोलते हैं। गरिमा जी, अब शायद इस बात से थोड़ा बहुत आप मेरे से सहमत हो सकती है। पहाड़ डिबेट में जब स्मार्ट सिटी की बात होती है और चीजों की बात होती है गरिमा जी, तो ये सारे कहते हैं कि देहरादून का हाल बुरा है, उत्तराखंड का सत्यानाश हो चुका है, जगह जगह कूड़े के अंबार लगे हैं, पूरी सफाई नहीं है, नगर निगम चोर है, नगर निकाय काम नहीं कर रहा। आज जब प्रशासनिक वहां पे लगे हुए हैं तब उनको ये दिखा, तो मतलब इनका कहने का क्या सेंस है कि पहले ही सही चल रहा था जब भारतीय जनता पार्टी के मेयर वहां पर मौजूद थे, तब इसका मतलब सीधे यही है कि पहले अच्छा चल रहा था, अब नगर निगम के कारण इतनी ज्यादा परेशानी का सबब हो गया है। चौथी बात का मैं इनको जवाब देती हूँ। ये बोल रहे हैं कि अभी मीनाक्षी जी हमारी महिला प्रवक्ता बोलती हैं कि इससे दो चार महीने का इनके पास समय, उससे पहले 3 महीने का था। मैं इनको ये बताना चाहूंगी कि 3 महीने का जो समय था उसमें गलती भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं हुई थी, वो चुनाव आयोग ने सर्वे करने में लेट लगाई है। हमारे साथ समाज सेवी और काफी जानकार व्यक्ति गिल्डियाल जी बैठे हैं, अगर मेरी बात से सहमत होंगे तो इसका जवाब आपको मेरे मुंह से तो अच्छा नहीं लगेगा, गिल्डियाल जी शायद देंगे तो ठीक लगेगा। पांचवी बात का मैं इनको जवाब देना चाहती हूँ कि ये आरक्षण की बात करे थे कि उसमें दलित महिला का क्या आरक्षण होगा, महिला का क्या आरक्षण होगा, इसका क्या आरक्षण होगा, उसका क्या आरक्षण होगा, महिला पे केंद्रित बातें इन्होंने करी थी। मातृशक्ति वंदन बिल लाने वाली अगर कोई केंद्र में सरकार रही तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। मैं सीना ठोक कर कहती हूँ कि महिलाओं के लिए अगर सोचने वाली, उनके टिकट बंटवारे की बात करने वाली महिला सदन में लोकसभा में ठीक है, आप ठीक कह रहे हो। लेट मी कंप्लीट, अभी ये लास्ट लाइन में बोल लूं। और दूसरा, उत्तराखंड में 30% 36 आरक्षण देने वाली अगर कोई सरकार महिलाओं की रही तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। हम तीलू रौतेली को भी मानते हैं और हम नरेंद्र सिंह नेगी जी का भी को भी प्रणाम करते हैं जो उत्तराखंड के जनक हैं। और लास्ट एक लाइन में और कहना चाहूंगी गरिमा जी, सहकारी विभाग में भी महिलाओं को भर्तियां देने वाली कोई सरकार रही तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। तो महिलाओं के बारे में सुनिए हनी जी, आपने सब कुछ किया, ये सारी बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये आपके आपने विपक्षों का जवाब दे दिया। मेरा आपसे, मैंने भी आपके सवाल को उस एक्सटेंड किया था, इन सभी की बातों के बाद मैंने अपना एक बात जोड़ी थी और वो ये थी कि ठीक है आप सब कर रहे हो, आपने बिल्कुल देरी नहीं की निकाय चुनाव में, लेकिन जिस भी वजह से देरी हो रही है क्या उस कारण को लेकर आपने कभी मंथन किया, क्या उसको दूर करने की कोशिश आपने की? सत्ता में आप हैं तो फिर आखिर क्यों वो अब तक समस्या जस की तस बनी हुई है? बिल्कुल की गरिमा जी, बहुत अच्छा, मैं जवाब देती हूँ अब आपकी बात का, क्योंकि विपक्ष की सारी बात का जवाब मैंने दे दिया, अब आपकी बात का देती हूँ। देखिए ऐसा है, संगठन के तौर पर हमारे प्रदेश महामंत्री श्री आदित्य कोठारी जी, अनिल गोयल जी और प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट जी और संजय गुप्ता जो हमारे लॉ का देखते हैं, वो ये सारे के सारे चुनाव आयोग के पास ज्ञापन लेकर गए थे और वो ज्ञापन की आपके चैनल में भी वो चली थी न्यूज बिग ब्रेकिंग में कि ये जाकर चुनाव आयोग से मिले और नगर निकाय चुनाव को और जल्द कराने के लिए प्रार्थना करी। तो इन सब चीजों को देखते हुए कि ऐसा नहीं है कि पार्टी हमारी कोशिश नहीं कर रही है, कोशिश पूरी रही है। और पिथौरागढ़ और उसको भी जोड़ा है, परिसीमन की जहां तक बात रही, अगर हमने कहा है कि हम अक्टूबर तक चुनाव कराएंगे तो निश्चित तौर पर हमारी तैयारी होगी, तभी हमने कहा है, बिना कहे हम कार्य नहीं करते हैं, तो जो कहते हैं वो करते हैं, नहीं झूठा दम भरते हैं। ठीक है। अब गिरिराज जी का ठीक है, आपने कहा कि अक्टूबर तक होंगे चुनाव, ये
वक्त बर्बाद हो जाता है। अभी गिरिराज जी से जवाब लेते हैं। गिरिराज जी देखिए, वो कह रही है कि अक्टूबर में कह दिया गया है, अब अक्टूबर में चुनाव होंगे। हालांकि मेरे सवाल का जवाब मुझे अब तक नहीं मिला है कि आखिर अब तक जो देरी हुई उस पर विचार भी क्यों नहीं किया गया। ये वक्त क्या जरूरी नहीं था? इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए थी ना। गिरिराज जी बताइए। देखिए गरिमा जी, हाँ मैं निश्चित रूप से अगर विपक्ष आज निकाय चुनाव के बारे में अगर वाकई अगर कोई सवाल अगर रख रहा है सरकार के सामने, ठीक है प्लीज प्लीज हनी जी और गरिमा जी, इनको कहिए मेरी ट्रांसलेटर ना बने। बीच में सुन, बीच में नहीं बोलेंगे आप, इंटरप्ट करने की। इनको कहिए मेरी ट्रांसलेटर ना बने। हनी जी ठीक है, हो गया हो गया, वो नहीं बोलेंगी हनी जी प्लीज। हनी जी को मैंने सुना, हनी जी मेरी बात अब तक आवाज देरी से गई होगी हनी जी, वो फिलहाल शांत है प्लीज। हनी जी और मीनाक्षी जी प्लीज देखिए, गिरिराज जी को सुनते हैं, ऐसे वक्त बर्बाद होता है। गिरिराज जी आप कंटिन्यू कीजिए। गरिमा जी, गरिमा जी, गरिमा जी, अगर कांग्रेस पार्टी अगर सवाल वाकई बनता है कि निकाय चुनाव में देरी हो रही है, छोटी सरकारों का होना बहुत जरूरी है, शहर की जो समस्याएं हैं उनका बिल्कुल इस समय अंबार लगा हुआ है पूरे उत्तराखंड में, जहां जहां नगर निगम है, जहां जहां नगर पालिकाएं हैं, तो निश्चित रूप से विपक्ष चिंता करेगा, विपक्ष अपनी बात रखेगा। अगर भाजपा वो एग्जाम्पल सेटअप कर रही है, वो एग्जाम्पल लेके आ रही है हिमाचल का या किसी अन्य प्रदेश का, आप उसको फॉलो क्यों कर रहे हैं भाई? आप अगर वाकई आप अगर एक्टिव पार्टिसिपेशन में रहना चाहते हैं, आप लगातार गरिमा जी जितनी डिबेट सुनिएगा, आप सुनिएगा पहले सुनिएगा जवाब दीजिए गरिमा जी, आज जितनी डिबेट्स में बैठता हूं, अरे सुनिएगा पहले, सुनने की आदत डालिए, सुनने की क्षमता रखिए। हनी जी देखिए देखिए ऐसे नहीं होता, अभी आप बोल रही थी, आपने कहा कि मुझे वक्त दीजिएगा, आप गरिमा जी बोल रहे हो जो भाजपा की, अरे सुनो आप भाजपा की जो लीडरशिप है आज, गरिमा जी भाजपा की जो लीडरशिप है या भाजपा के प्रवक्तागण जो है, वो लगभग विकास 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 में एक स्पीच और एक भाषण इनका जो होता है केवल विकास पे होता है, हम विकास कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, आप सुनिएगा इनके मूल जवाब होगा तब देंगे। हनी जी, हनी जी प्लीज, अब ये चीज सही नहीं है। फिर देखिए आप बोलते हैं तो आपको पसंद नहीं आता ना किसी का बोलना। आज आज सुनिएगा, आज सुनिएगा निश्चित। गरिमा जी मैंने सबके सवाल का जवाब दिया, नहीं तो आप बीच में यही चाहती हैं कि जिस वक्त आप बोल रही हो उस वक्त के बीच में ना बोले, तो प्लीज उस चीज को फिर कम से कम जो उम्मीद कर रही है वो दूसरों के लिए भी रखिए। पायदान पे जो ग्रामीण बैठा हुआ है पर्वतीय क्षेत्र में, वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, आज उसको हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है, आज उसके बच्चे को अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। ये लोग, इनकी जो लीडरशिप है वो एसी में बैठ के डिसीजन ले रही है, सुनिएगा। इनके ब्यूरोक्रेट्स जितने भी हैं, सचिव हैं, सेक्रेटरीज हैं, जितने भी लगभग आईएएस हैं, निश्चित रूप से कोई इनका कहीं से कोई निर्देश जो इनके ऑर्डर होते हैं उन पे कहीं सरकार के जितने भी मंत्रीगण हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, अगर वाकई ब्यूरोक्रेट इनके पूरी तरह से अगर वाकई इनके निर्देशों का पालन वो करते तो आज स्थितियां विकास शून्य जो मैं प्रदेश को बताता हूं। और सुनिएगा गरिमा जी, मैं अपने कार्यकाल का एक उदाहरण आपके सामने पेश करूंगा, 2012 और 17 के बीच में सुनिएगा। अगर पारंपरिक खेती पे मैंने एक दिन बात रखी थी कि हमने खरीद मूल्य तय किए थे, गरिमा जी हरीश रावत जी शासित थे, प्रदेश के मुखिया थे, मुख्यमंत्री थे, पारंपरिक खेती के खरीद मूल्य तय करने की जो बात रखी मैंने, हमने सरसब्द करने का जो काम किया पहाड़ के किसान को, उसका एक उदाहरण देना चाहूंगा। हरीश जोशी जी सुनिएगा, हरीशचंद जोशी जी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, डीएम थे पौड़ी में, उनसे एक दिन मेरी मंत्रणा हुई फोन पे, उन्होंने कहा हिंदुवान जी मैंने 500 क्विंटल मंडुआ 500 क्विंटल झंगोरा इकट्ठा करवाया और ब्लॉक स्तर से जितने भी ब्लॉक हैं मेरे पौड़ी में उनसे मैंने वो कलेक्ट करवाया और वो पौड़ी में सब इकट्ठा होके आया है। खरीद मूल्य तय होने के बाद वाकई जो पहाड़ का किसान है वो सशब्द हो रहा है, ये प्रमाण है मेरे पास। ये लोग झूठे आंकड़े लेके आते हैं, जो बार बार मैं गरिमा जी बात रख रहा हूं
कि आज जो है विकास शून्य प्रदेश है, आज कोई भी प्रोग्राम इनका स्टेट प्लान से इंप्लीमेंटेशन की तरफ नहीं है, कार्यान्वयन की तरफ नहीं है। और आज गरिमा जी सवाल बनेंगे इनसे, अगर निगम नगर निगम के और नगर निकाय चुनाव अगर निश्चित रूप से डिले हो रहे हैं तो इसमें निश्चित रूप से सरकार की तरफ से खामी है, सुन लीजिएगा। और ये लोग निश्चित रूप से जब तक जगेंगे नहीं, आज भी अक्टूबर की बात कर रहे हैं, अभी भी ढुलमुल रवैया इनका है। कोर्ट इनको उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय अपनी तरफ से इनको आगाह कर चुका है, अपनी तरफ से इनको बात बोल चुका है अपना, निश्चित रूप से उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है सरकार को कि वाकई आप जल्द से जल्द चुनाव करवाएं, आप लोग जल्दी परिसीमन की तरफ बढ़े। और गरिमा जी बड़े प्यार से मैं एक बात भाजपा के पास रखना चाहूंगा कि निश्चित रूप से अपने पूरी इमोशंस के साथ, अपने सेंटिमेंट्स के साथ, जो छोटी सरकार में वाकई एक बॉडी होती है, छोटी सरकार होती है, वो मूल जो सुविधाएं देने का काम करती है, निश्चित रूप से उनसे जो वंचित समय शहर है, पूरे नगर निकाय हो, नगर निगम हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर पंचायत हो, वो लोग वंचित हैं उन सुविधाओं से। अभी गिरलाल जी ने भी बात रखी पौड़ी की अपने, निश्चित रूप से परेशानियों का अंबार है। सुनिएगा, आज जो माहौल है वो माहौल निश्चित रूप से अगर सुधार की तरफ आप ले जाना चाहते हैं तो सरकार सीरियसली वाकई एक्टिव पार्टिसिपेशन अपनी दिखाए। और सरकार अगर गरिमा जी स्ट्रांग विल लेके चलती है तो निश्चित रूप से चुनाव, अगर अक्टूबर इन्होंने बोला है ठीक है अक्टूबर तक आप संपन्न करवाएं उसको पूरी तरह से, ये ना हो कि अक्टूबर में भी आप लोग हथियार अपने डाल दें और बोले नहीं साहब अभी तो और समय लगेगा। अरे आपदा इस समय आई है, निश्चित रूप से आपदा का 10 जनता झेल रही है। अभी हनी जी अभी प्रवक्ता जो है भाजपा की सम्मानित प्रवक्ता, उन्होंने आपदा को भी रखा कि आपदा के वाकई आपदा है चरम पे इस समय। और आप लोग कांग्रेस से बात रख रही है कि चुनाव करवाएं, हमने वो बात आपदा अपनी जगह है निश्चित रूप से, वो दंश जो झेल रही है उसमें हमारे जितने विधायक गण असेंबली में जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कांग्रेस के, उनकी सबकी पार्टिसिपेशन इस समय पूरे सेंटिमेंट्स के साथ, पूरे इमोशंस के साथ अपने क्षेत्र में है, वो लोग अपने दौरों में है निश्चित रूप से, और वो लोग मरहम लगाने का कार्य कर रहे हैं निश्चित रूप से गरिमा जी। लेकिन आज ये सरकार अलर्ट हो और निगम का निकाय का जो चुनाव है इसको संपन्न करवाए, संपन्नता की तरफ जाए। और अगर संपन्नता की तरफ जाती है तो निश्चित रूप से हमारा भी जो रोल बनता है, हमारी अगर अप्रिशिएशन की बात होगी हम अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन आप लोग वहां तक उस लक्ष्य तक पहुंचे तो सही। आपने पूरा प्रदेश समय विकास शून्य बना रखा है। आज मूल में जो विकास चाहिए एक ग्रामीण को, एक पर्वतीय क्षेत्र में जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्रामीण बैठा हुआ है उस तक आप विकास पहुंचाने में वाकई आप लोग उस तरफ बढ़े। और आप लोग निश्चित रूप से गरिमा जी सरकार का जो बचा हुआ कार्यकाल है अभी 2-2.5 साल का, उसमें हम लोग चुप नहीं बैठेगी निश्चित रूप से। विपक्ष जो कांग्रेस जो है, ठीक है, देखिए सरकार तो ये कह रही है कि हमने तारीखों की विवाद सामने ला दी है, अक्टूबर के महीने को वो कोर्ट भी कह रहे हैं कि भाई अब इस महीने में चुनाव हो जाएंगे। हालांकि विपक्षी लगातार कह रहे हैं कि भाई सवाल वही है कि देखिए क्यों आखिर अब तक देरी हुई, ये भी बड़ी बात है। इस पर आपके और मेहमानों से विस्तार से बातचीत करेंगे, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। 15 अगस्त का दिन अब दूर नहीं है और अब तो 15 अगस्त के साथ एक और अभियान जुड़ गया है, हर घर तिरंगा अभियान। पिछले कुछ वर्षों से तो पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान के लिए सबका जोश हाई रहता है। गरीब हो, अमीर हो, छोटा घर हो, बड़ा घर हो, हर कोई तिरंगा लहराकर गर्व का अनुभव करता है। तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का क्रेज भी दिखता है। आपने गौर किया होगा जब कॉलोनी या सोसाइटी के एक एक घर पर तिरंगा लहराता है तो देखते ही देखते दूसरे घरों पर भी तिरंगा दिखने लगता है। यानी हर घर तिरंगा अभियान तिरंगे की शान में एक यूनिक फेस्टिवल बन चुका है। इसे लेकर अब तो तरह तरह के इनोवेशन भी होने लगे हैं। 15 अगस्त आते आते घर में, दफ्तर में, कार में तिरंगा लगाने के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट दिखने लगते हैं। कुछ लोग तो तिरंगा अपने दोस्तों पड़ोसियों को बांटते भी है। तिरंगे को लेकर ये उल्लास, ये उमंग हमें एक दूसरे से जोड़ती है। साथियों,
पहले की तरह इस साल भी आप हर घर तिरंगा .com पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करेंगे। और मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूं, हर साल 15 अगस्त से पहले आप मुझे अपने ढेर सारे सुझाव भेजते हैं, आप इस साल भी मुझे अपने सुझाव जरूर भेजिए। आप MyGov या नमो ऐप पर भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं निकाय चुनाव में देरी को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए उदित घड़ियाल जी हैं, उनके साथ में शुरुआत करते हैं, समाजसेवी हैं। उदित जी, देखिए दोनों चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्षी दल हो, ये कह रहे हैं कि भाई हम तो चाहते हैं कि चुनाव फटाफट से हो और शहरों की सरकार है वो बने, स्थानीय लोगों को दिक्कतें ना हो, फिर आखिर ये देरी क्यों होती चली गई? और विपक्षी जो बात कह रहे हैं उसमें आपको कितनी सच्चाई नजर आती? सरकार को लेकर आप पहले जवाब दे चुके हैं कि सरकार को सोचना चाहिए कि देरी क्यों हुई है, पर आप विपक्षों की भूमिका को किस तरीके से देख रहे हैं इसमें? देखिए, विपक्ष अपनी जगह पे है बिल्कुल, वो अपना बोलेंगे क्योंकि जनप्रतिनिधि का मामला है और इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने पहले भी जैसे कहा कि मोदी जी का एक बहुत बड़ा मिशन है स्वच्छ भारत मिशन, उसमें शहरों की सफाई सबसे प्राथमिकता है और उस शहरों की सफाई को अगर जोड़ते हैं तो पार्षदों से निकाय से जोड़ा जाता है। मैंने बोला पहले भी कि हर व्यक्ति के पास MLA या MP तक जाने का नहीं होता है, सिस्टम नहीं बना हुआ है, तो वो पार्षद के पास जाता है छोटी छोटी चीजों के लिए जाता है। ये एक लोकतंत्र का एक बड़ा खूबसूरत सा हिस्सा भी है, पार्षद बहुत सारे होते हैं और लोग बैठते हैं जाते हैं घर, उनको लगता है कि वो नेता है उनका, वो ही नेता है। चुनाव जो है वो करना कराना सरकार का कार्य है और सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। देखिए, डिले हो सकते हैं, कोई कारण हो सकते हैं डिले होने के, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि इन चुनाव के लिए कोर्ट का इंटरफेरेंस की तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, कोर्ट तक ये बात पहुंचनी नहीं चाहिए। कोर्ट तक क्यों पहुंच रही है इसके लिए सरकार को गहन चिंतन करनी चाहिए। सरकार के पास पूरा सिस्टम है, अधिकारी हैं, नेता हैं, सब कुछ है, कहीं कोई कमी नहीं है और चुनाव तो बहुत जल्दी निपट सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही कि देखिए कोर्ट तक ये सारी चीजें नहीं जानी चाहिए, अगर जा रही है तो कहीं ना कहीं दिक्कत और कमियां उसमें सबकी है। छोटे से टिप्पणी मीनाक्षी जी, बहुत कम शब्दों में, उसके बाद हनी जी की आखिर प्रतिक्रिया होगी। मीनाक्षी जी जल्दी से, कोर्ट तक जा रहे हैं मैटर चुनाव के? बिल्कुल, मैं छोटी सी टिप्पणी देना चाहती हूं। कम है हमारे पास, कहना चाहती हूं कि जो बात हनी पाठक जी कह रही हैं कि अन्य राज्यों में ऐसा हुआ वैसा हुआ, क्योंकि मैं एक क्षेत्रीय दल हूं और मुझे लगता है कि इसी डिबेट से समझ आ गया होगा कि इस क्षेत्र को क्षेत्रीय दल की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग बात चीन की हो रही हो, ये जापान पहुंच जाते हैं, तो बात उत्तराखंड की करनी चाहिए। और मैं उम्मीद करूंगी कि आगे से कांग्रेस ने किसी भी राज्य में जो मर्जी किया हो, बात उत्तराखंड की होनी चाहिए। ठीक है हनी जी, कोर्ट तक मैटर किया, बहुत अच्छी बात उनकी ओर से कही गई, इसके पीछे भी तो अगर आप सत्ता में हैं या विपक्ष में होते, कुछ भी हो, जिम्मेदारी तो बनती है ना कि चुनाव के मुद्दे को बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है गरिमा जी। हाँ, बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है, कहती है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है। और ये जो डिले हुआ है उसको हम अपना भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, लेकिन उसमें पूरी तरीके से अगर आप बोले भारतीय जनता पार्टी की गलती है तो वो कहना उचित नहीं है। अभी इन्होंने जून की बात कही मीनाक्षी जी ने कि जून में भी तो आपने कहा था, तो उन्होंने खुद ही अपने सवाल में शुरू के ओपनिंग कमेंट में ये बात कही थी कि पहले आपने ये कहा था, फिर लोकसभा चुनाव का बहाना दिया, फिर मानसून सीजन का बहाना दिया, तो वो जो हमने बातें कही वो जेन्युइन प्रॉब्लम थी। और एक मिनट गरिमा जी, मैं एग्जाम्पल की जहां तक बात रही ना, तो जिस तरीके से किसी भी सरकार पर कोई व्यक्ति आरोप लगाता है तो आरोप लगाने से पहले यह जरूर ध्यान देना चाहिए कि हमने कहां पर क्या क्या कुकृत्य करे हैं और उसके पीछे रीजन क्या रहा है, क्योंकि हमने वो भी देख रखा है समय कोई सत्ता के गलियारों में जब धृतराष्ट्र बन जाता था, कोई चाल कुचाले कर जब स्वयं शकुनी बन जाता था, हमने वो समय बहुत अच्छे से देखा है।
और बहुत अच्छे से देख के हमने बोला है। और जहां तक रही बात क्षेत्रीय दल की और क्षेत्र की बात करने की, तो यूकेडी सिर्फ एक ही जगह की बात नहीं करती है। जब केंद्रीय कहां का कोई केंद्र से रिलेटेड प्रवक्ता होता है तो वो पूरे केंद्र की बात करेगा। और केंद्र देखिए देखिए हनी जी, बिल्कुल ठीक बात आप कह रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ना कि देखिए, आपने कहा कि वो सारे जेन्यून कारण थे, लोकसभा का चुनाव हो या फिर जो भी चीज़ें हो, लेकिन निकाय चुनाव कराना भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आप जनहित की बात करते हैं तो आपको कराना ही चाहिए। अगर आप अपने क्षेत्र के जनता के विकास की, आप संपूर्ण विकास की बात करते हो, तो ये सब भी कराना आपकी ही जिम्मेदारी। और मुझे लगता है यहाँ पर बैठे हर शख्स से ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी बनती है कि ये चुनाव ठीक समय पर हो, क्योंकि सत्ता में आपको जनता ने बिठाया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, चुनाव की तैयारी, अब सरकार कह रही है कि अक्टूबर के महीने तक चुनाव पूरे करा लिए जाएंगे, लेकिन देखना होगा कि निकाय चुनाव पर लगाया विराम आखिर कब हटता है। देवभूमि के दंगल में इतना है। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले